A very good morning class. How are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi grammar, yani Hindi व्याकरण एवं रचना. So take out your book, Hindi व्याकरण एवं रचना. और जो पिछले वीडियो में हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, जिसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर दिए हैं. सारे एक्सरसाइज जितने भी इसमें हमने आपको सेंड कर दिया, आई होप आप लोग राइट कर लिए होंगे. और जो इसका क्वेश्चन आंसर है क्रिया विशेष का, हम भी हमने आपको सेंड कर दिया है. और इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हिंदी ग्रामर में आपका फर्स्ट जितना लास्ट चैप्टर है उसमें से कहीं से भी आ सकता है. तो आप लोग पूरी बुक अच्छे से रिवाइज करिएगा और लर्न करिएगा अच्छे से. तो बच्चों इसका पीडीएफ हम आपको कल सेंड कर दिए थे. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 12 काल. क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 12 काल पढ़ेंगे. तो काल पढ़ने से पहले हम जानते हैं काल किसे कहते हैं. काल का अर्थ होता है समय. क्या होता है? समय. जैसे इस समय हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? काल है. तो बच्चों पहले हम जानते हैं काल की परिभाषा, कि काल की परिभाषा क्या होती है. तो काल की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं. मीन्स क्रिया के जिस रूप से, क्रिया मीन्स होता है क्या होता है, काम का करना या होना जब पाया जाता है. क्रिया मतलब जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं. जैसे हम आप खेल रहे हैं, तो आप खेल रहे हैं यानी कि आप इस समय प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल में खेल रहे हैं. तो कहने का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने का बोध होता है कि हाँ ये कार्य वो कर रहा है या कर चुका है, होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, काल कहते हैं. यानी कि उस वो किस समय क्या कार्य कर रहा है, क्रिया के करने का बोध होता है, उसी को हम काल कहते हैं. और ये तीन प्रकार का होता है. कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है. अब जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. कितने काल हो गए? तीन काल हो गए. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन काल होते हैं. अब वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल जैसे राधा पढ़ रही है, तो वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्तमान काल हो गया. भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है. क्या है? जो बीत चुका है यानी हम पढ़ चुके, हम पढ़ रहे थे यानी कि हम ये काम कर चुके थे, कर चुके हैं. अब हमें वो काम नहीं करना है और ना करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? वो भूतकाल, जो हम कोई काम कर चुके हैं, हो गया होता है, बीत गया होता है वो समय, उसे हम भूतकाल कहते हैं. भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय. जैसे कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, भविष्य, यानी कि जब कल आएगा, आज दिन बीत जाएगा और कल जब आएगा फिर हम कल पढ़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं भविष्यकाल. अंडरस्टैंड? तो कौन कितने हो गए काल? तीन काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल. तो वर्तमान काल को और अच्छे से देखते हैं बच्चों. जैसे जिस क्रिया के कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, जैसे वर्तमान समय में कौन सा काम हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं. जैसे माँ खाना बनाती है, लड़कियाँ नाच रही हैं. फिर है भूतकाल. पहला क्या है? वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल. और दूसरा कौन सा है? भूतकाल. भूतकाल में क्या है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं. इसकी परिभाषा क्या है? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं. जैसे नौकर ने कपड़े धोए, बच्चा सो रहा था, यानी कि अब वो जग गया तभी तो सो रहा था, यानी कि पिछले जब हम
कोई काम पहले कर चुके होते हैं उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। आई होप अंडरस्टैंड इट। जैसे बच्चा सो रहा था, अब तीसरा आता है भविष्य काल में। भविष्य काल क्या होता है, तीसरा कौन सा काल है, भविष्य काल। जिस क्रिया के कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय का पूरा होने का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कोई जब प्लानिंग करते हैं, जैसे हम प्लानिंग करते हैं कि कल हम कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, आगरा जाएंगे, आपकी इच्छा होती होगी कि कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम दिल्ली जाएंगे, या कल हम ये खाएंगे, ये ड्रेस पहनेंगे, तो ये क्या है, ये भविष्य, जो हम सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ हम कल करेंगे, ये भविष्य हमारा, ठीक है। तो जब हम कोई कार्य के बारे में सोचते हैं वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। जैसे मोहनलाल जी कार्यालय जाएंगे, तो मोहनलाल जी कार्यालय कब जाएंगे, कल। आने वाले समय जो होता है वो भविष्य होता है ना, तो जब आने वाले समय में जब कोई काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। रश्मि बाजार जाएगी, ठीक है। तो काल की पहचान बच्चों किससे होती है, क्रिया से होती है। और तीनों काल के भेद कितने हैं इसको हम आपके अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में क्या है इस पार्ट में कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं, तो ये हमने आपको बताया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए आप देखते हैं इसका एक्सरसाइज। काल से आप क्या समझते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ये है आपका प्रश्न नंबर 1। तो बहुत ईजी है, आपके बुक में राइट है। अब आप लोग बड़े क्लास में है ना, तो आप लोग के ये जो प्रश्न है प्रश्न का उत्तर भी इसमें राइट होता है। तो आप लोग उसको अपने ग्रामर की कॉपी में बुक से देख के राइट कर सकते हैं। तो काल से आप क्या समझते हैं, काल की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप काल की परिभाषा राइट करिए। और काल के कितने भेद होते हैं, तो राइट करें काल के 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों के नाम लिख दीजिए, ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, काल के प्रत्येक भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो काल के जितने भी भेद हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों की परिभाषा राइट करिएगा और उसका एक एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण राइट करिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 2 पे, निम्नलिखित क्रियाओं को तीनों कालों के अनुसार बदलिए, लिखिए। लिखा है क्रिया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो लिखना का जैसे वर्तमान काल होगा लिखता है, भूतकाल का होगा लिखा, और भविष्य काल का हो जाएगा लिखिएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, लिखा है खेलना, तो खेलना का वर्तमान काल हो जाएगा खेलता है, फिर हो जाएगा भूतकाल खेला, और भविष्य काल हो जाएगा खेलेगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी इसमें दिए हुए हैं, धोना, पीना, फूल लेना, तो ये सब इसी प्रकार चेंज हो जाएगा। ये हम आपको PDF में सेंड कर देंगे, आप लोग उसको देख के राइट कर लीजिएगा। तीसरा है, काल की उचित क्रिया रूप से खाली जगह भरिए। आकाश में सूरज और ब्रैकेट में लिखा है चमक, तो हम राइट करेंगे आकाश में सूरज चमकता है, चमकता है, ये वर्तमान काल के अनुसार हमें लिखना है, काल के उचित क्रिया के रूप में राइट करना है ना, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा आकाश में सूरज चमकता है। दूसरा है, प्रमोद कानपुर में रहना है हमारा, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ राइट करेंगे प्रमोद कानपुर में रहता है। हम सब मिलकर ईद मनाते हैं, चौथा हो जाएगा शायद वह कल आएगा, और पांचवा है अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है, पढ़ाना दिया है तो राइट करेंगे पढ़ाती है। अब आइए देखते हैं नंबर 4 एक्सरसाइज पे, निम्नलिखित वाक्यों के काल उनके सामने लिखो। यहाँ पे देखिए नंबर 4 पे दिया है, पहला है मैं भी पौधे लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम चाहती हूँ यानी कि उनकी चाहत क्या है कि वो आगे पेड़ लगाना चाहेंगे। अब तो ये हो गया भविष्य काल, यानी कि लगाना चाहेंगे तो आज तो लगाएंगे नहीं, अभी तो लगाना नहीं चाह रही और ना लगा चुकी हैं, लगाएंगे यानी कि आने वाले समय में, तो ये क्या हो गया भविष्य काल। किशन गांव जाएगा, ये भी आने वाले समय में जाएगा तो हो जाएगा भविष्य काल। मोर नाश्ता था, नाश्ता था यानी कि वो नाच चुका है अब, तो ये बीत गया है समय, तभी तो नाच चुका, तो ये हो जाएगा भूतकाल। लड़कियां झूला झूल रही थीं, लड़कियां झूला झूल रही थीं, तो
लड़कियां भी झूल चुकी हैं, यानी कि ये क्या है, जो है भूतकाल हो चुका है, यानी कि वो झूल चुकी हैं। चिड़िया घोंसला बना रही हैं, बना रही यानी कि जो हमारे सामने, आपके सामने वो घोंसला बना रही है, यानी कि एट द टाइम, प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान काल हो गया। नंबर 5 पे है, निम्न वाक्यों को कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार बदल कर पुनः लिखिए। दर्जी कपड़े सिलता है, अब इसका हमें भूतकाल में बदलना है तो लिखेंगे दर्जी कपड़े सिलता था। फिर है दूसरा, पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो भविष्य काल में हम राइट करेंगे पक्षी दाना चुगेंगे। तीसरा है, बच्चे खेल खेलेंगे, और इसका हमें बदलना है वर्तमान काल में तो लिखेंगे बच्चे खेलते हैं। चौथा है, माताजी हरिद्वार जा रही थी, भविष्य काल में राइट करेंगे माताजी हरिद्वार जाएंगी, यानी कि आने वाले समय में जाएंगी। चौथा है, ऐश्वर्या बहुत सुंदर होगी, और इसका हमें भूतकाल में रूप बदल के लिखना है तो इसका हो जाएगा ऐश्वर्या बहुत सुंदर थी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज पे, सही कथन पर चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, क्रिया के जिस रूप से उसके अलग अलग समय में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं काल, क्या कहते हैं, काल कहते हैं। दूसरा है, काल कितने प्रकार का होता है, तो काल 3 प्रकार का होता है, अभी मैंने बताया वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 प्रकार के काल होते हैं। आप आते हैं तीसरे पे, बारिश न होने के कारण पेड़ सूख गए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। तो सूख गए यानी कि सूख चुके हैं, अब वो हरे भरे हैं नहीं, अब ना हरे भरे होंगे, सूख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। चौथा है, रजनी ने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो रजनी ने खाना खा लिया ये भी भूतकाल में, कि वो खा चुकी है ना, खाना खा लिया, तो ये हमारा हो जाएगा भूतकाल। पांचवा है, रमेश कल चिड़ियाघर गए, जाएगा या गए थे, तो रमेश कल चिड़ियाघर जाएगा, ठीक है, गए थे नहीं। अब नंबर 7 है, कक्षा में अपने दोस्तों के साथ मिलकर तीनों कालों से संबंधित दो दो वाक्य बनाइए, तो बच्चों आपको ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाना है, या अपने भाई बहनों के साथ, या अपने आपसे ये करना है। तो जैसे वर्तमान काल है, मैं आपको एग्जांपल दे दे रही हूँ, आपको खुद से राइट करना है, ठीक है। तो वर्तमान काल आप अपने से विचार करेंगे, सोचेंगे वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनाए, दो दो वाक्य बनाना है। जैसे वर्तमान काल है, हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है। इसी तरह एक बात और बनाइएगा, भूतकाल, हम कल दिल्ली जाएंगे, या भूतकाल में सॉरी, हम कल दिल्ली गए थे, बीत चुका है, भूतकाल है ना। फिर भविष्यकाल का बनाएंगे कि कल हम स्कूल जाएंगे, कल हम अपनी बहन की शादी में जाएंगे, क्या है, ये भविष्यकाल हो गया। तो इसी प्रकार आपको दो वाक्य बनाने हैं, तो आप लोग अपने शब्दों में सुंदर राइटिंग में राइट कर लीजिएगा। अब चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया, इसका PDF मैं सेंड कर दूँगी, आप लोग राइट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में दिए हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन उतारिएगा, आंसर जो परिभाषा है वही आंसर है, आप उसको देख के राइट कर लीजिएगा। फिर विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी हम आपको बता चुके हैं, इसका जो PDF है इसको हम आपको सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द, ये भी आप जानते हैं पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची का PDF हम जो एक्सरसाइज है वो हम भेज देंगे, वो भी आप अपने बुक में कर लीजिएगा। चैप्टर 15 एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका भी PDF हम आपको सेंड कर देंगे एक्सरसाइज का, आप लोग राइट कर लीजिएगा। और लास्ट में है पत्र लेखन, जितना भी विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब पत्र लेखन में आपका है 1, 2 और 3, 4 है, तो आप लोग
चारों तैयार करके रखिएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अपनी सहेली या अपने मित्र को जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका भी पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। आप 25 गद्यांश आपका आना नहीं है, बस इतना ही आपका पूरा सिलेबस है। और लास्ट में है निबंध, ठीक है। निबंध आप लोग तैयार करके रखिएगा, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो अब आपका ये पूरा सिलेबस खत्म होता है। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पाया है या जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन है, वो हमें व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर आपका स्कूल भी ओपन होने वाला है, तो आप स्कूल आएंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ रिविजन कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जिन बच्चों की कॉपी कंप्लीट हो गई है, जिन वो सब अपनी कॉपी और बुक लेके आएंगे, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे भी अपनी कॉपी बुक कंप्लीट करके लेके आएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका सिलेबस भी आज समाप्त होता है। आई होप सबसे आप लोग अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।